तरीके से युवक जो है वो भाग रहे हैं, ये देखिए आप किस तरीके से युवक जो है वो भाग रहे हैं। पुलिस की आवाज सुनकर आप देख लीजिए किस तरीके से युवक भाग रहे हैं। देखिए कैसे युवक भाग रहे हैं। पुलिस, देखिए पुलिस पहुंची है मौके पर। जिन युवकों की बात हम कर रहे थे वो देख लीजिए, युवक यहाँ से अभी भागे हैं। पुलिस की आवाज सुनकर यहीं पर बता दे कि ये बाग है जहाँ पर काफी सारे जो फ्रूट्स वगैरह लगते हैं, और यहीं पर हाईवे के पास ही देख लीजिए जो कॉलेज कैंपस में काफी सारे युवक थे हथियारों के साथ पहुंचे थे, उन सभी युवकों को फिलहाल पुलिस यहां पकड़ने आई तो तुम्ब दबाकर यहां से भागे किस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहां पर कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी जिसके बाद आप देख रहे हैं कि वो टल तो गई, लेकिन कितने युवक थे और 150 के आसपास बताए गए थे। और अभी फिलहाल पुलिस पहुंची है उस जगह पर जहां पर बड़ा बाग है, बीच में बाग है आप देख लीजिए नेशनल हाईवे के साथ ही सर्विस लेन के साथ। और अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि कैसे जो है उन युवकों को यहां पर जो जंप करके यहां से अचानक दौड़ते हैं, हमने आपको तस्वीरों में किस तरीके से दिखाए, और अभी भी वो युवक जो है वो कैसे दूसरी तरफ भागे तस्वीरों में आपने देखा। आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसे बदमाश युवक किसी बड़ी वारदात पे जरूर उनकी नजर, कोई बड़ी वारदात वो कर रहे थे, करना चाहते थे, और अभी यहां से कैसे दौड़े आपने तस्वीरों में हमने आपको शुरू में ही दिखाया है आप देख रहे हैं। और यहां पर कोई बड़ी वारदात वो करने वाले थे, किस वजह से करना चाहते थे वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जो कॉलेज का जो कैंपस है वहां से इस तरीके से इतने सारे हथियारों का मिलना एक बड़ी वारदात को जरूर दर्शाता है, जिसमें गंडासियां और तलवारें, यानी आप समझ लीजिए कि वो युवक अभी अभी यहां से भागे हैं। उधर की तरफ कॉलेज पड़ता है और ये सेक्टर की तरफ 13 की तरफ वो युवक कैसे दौड़े हैं। हालांकि उनकी पहचान, कईयों ने मुंह ढके भी हुए थे, और साथ के साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि आखिर इतने सारे जो लड़के हैं वो यहां पर करने क्या आए हुए थे। सबसे बड़ा सवाल ये जरूर है कि आखिर उन्होंने किस वारदात को अंजाम देना था इस बाग में। कैसे आप देख लीजिए, ये बाग है यहाँ पर, बेरों जो जामुन का बाग है ये सेक्टर 13 के पास ही, वहां पर ये अब अंदर दौड़े। और यहां से देख लीजिए पूरा बाग हम आपको दिखा चुके हैं, और यहां से वो किस तरीके से भागकर फरार हो गए जो भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था आप देख रहे हैं। और अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ और जानकारी मिलती है, क्या वो युवक किस तरफ दौड़े हैं, ये पूरी जानकारी हम लेने का प्रयास जो है फिलहाल करते हैं। कैसे युवक जो है वो भाग रहे हैं, ये देखिए आप किस तरीके से युवक जो है वो भाग रहे हैं। पुलिस की आवाज सुनकर आप देख लीजिए किस तरीके से युवक भाग रहे हैं। देखिए कैसे युवक भाग रहे हैं। पुलिस, देखिए पुलिस पहुंची है मौके पर। जिन युवकों की बात हम कर रहे थे वो देख लीजिए, युवक यहाँ से अभी भागे हैं। पुलिस की आवाज सुनकर यहीं पर बता दे कि ये बाग है जहाँ पर काफी सारे जो फ्रूट्स वगैरह लगते हैं, और यहीं पर हाईवे के पास ही देख लीजिए जो कॉलेज कैंपस में काफी सारे युवक थे हथियारों के साथ पहुंचे थे, उन सभी युवकों को फिलहाल पुलिस यहां पकड़ने आई तो तुम्ब दबाकर यहां से भागे किस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहां पर कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी जिसके बाद आप देख रहे हैं कि वो टल तो गई, लेकिन कितने युवक थे और 150 के आसपास बताए गए थे। और अभी फिलहाल पुलिस पहुंची है उस जगह पर जहां पर बड़ा बाग है, बीच में बाग है आप देख लीजिए नेशनल हाईवे के साथ ही सर्विस लेन के साथ। और अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि कैसे जो है उन युवकों को यहां पर जो जंप करके यहां से अचानक दौड़ते हैं, हमने आपको तस्वीरों में किस तरीके से दिखाए। और अभी भी वो युवक जो है वो कैसे दूसरी तरफ भागे तस्वीरों में आपने देखा। आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसे बदमाश युवक किसी बड़ी वारदात पे जरूर उनकी नजर, कोई बड़ी वारदात वो कर रहे थे, करना चाहते थे, और अभी यहां से कैसे दौड़े आपने तस्वीरों में हमने आपको शुरू में ही दिखाया है आप देख रहे हैं। और यहां पर कोई बड़ी वारदात वो करने वाले थे, किस वजह से करना चाहते थे वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जो कॉलेज का जो कैंपस है
वहां से इस तरीके से इतने सारे हथियारों का मिलना एक बड़ी वारदात को जरूर दर्शाता है, जिसमें गंडासियां और तलवारें, यानी आप समझ लीजिए कि वो युवक अभी अभी यहां से भागे हैं, उधर की तरफ कॉलेज पढ़ता है और ये सेक्टर की तरफ 13 की तरफ वो युवक कैसे दौड़े हैं। हालांकि उनकी पहचान, कईयों ने मुंह ढके भी हुए थे और साथ के साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि आखिर इतने सारे जो लड़के हैं वो यहां पर करने क्या आए हुए थे। सबसे बड़ा सवाल ये जरूर है कि आखिर उन्होंने किस वारदात को अंजाम देना था इस बाग में। कैसे आप देख लीजिए, ये बाग है, यहाँ पर बेरों जो जामुन का बाग है, ये सेक्टर 13 के पास ही, वहां पर ये अब अंदर दौड़े और यहाँ से देख लीजिए पूरा बाग हम आपको दिखा चुके हैं और यहाँ से वो किस तरीके से भागकर फरार हो गए हैं, जो भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था आप देख रहे हैं। और अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ और जानकारी मिलती है, क्या वो युवक किस तरफ दौड़े हैं, ये पूरी जानकारी हम लेने का प्रयास जो है फिलहाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। दोस्तों कुछ अभी कॉलेज के बाहर लड़कों हाथ में माला लेकर किस तरीके से खड़े हुए थे, ये आप देख लीजिए। कुछ युवक अभी जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, और अभी पुलिस है, पुलिस को भी किस तरीके से हाथ में मालाएं लेकर आप देख सकते हैं खड़े थे। और अभी यही बाहर ही तस्वीरें जो है फिलहाल, और बताते हैं अभी पुलिस भी आप देख लीजिए मौके पर है और यहीं पर वो बदमाश युवक इसी बाग के अंदर घुसे हैं और इस तरफ से गए हैं और हाथ में फूलमाला लेकर, जैसे इलेक्शनों में दूसरे के गले में डालते हैं, इस तरीके से उन्होंने डाली और उनके पास कुछ हथियार भी थे, जो अभी तक बता दें इसमें कुछ हथियार भी थे। और पुलिस फिलहाल आप देख सकते हैं मौके पर है और काफी सारे बदमाश युवक जो बाहर खड़े होकर माला डालकर उसके बाद यहां से निकले और तो आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से फिलहाल यहां पर जो देख रहे हैं किस तरीके से पार्क के अंदर यानी ये लड़के कहीं आसपास ही लगातार छुप रहे हैं, ये लड़के आसपास लगातार छुप रहे हैं जो यहाँ से जा नहीं रहे हैं, लेकिन और बड़े बड़े लठ भी उनके पास थे। और यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से फिलहाल पुलिस के अंदर जो है इसी पार्क में लड़के जो है वो दौड़े हैं, सेक्टर 13 के इलाके में वो लोग मिल सकते हैं क्योंकि वो यहीं से दौड़े हैं और सारा इलाका सेक्टर 13 का है, साथ में नेशनल हाईवे है। तो ये देखिए दौड़िए, ये देखिए ये दौड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं पुलिस पीछे पीछे इनके किस तरीके से दौड़ती हुई नजर आ रही है आप देख रहे हैं। और यहीं पर ये देख लीजिए ये युवक कैसे, ये देखिए युवकों को पुलिस ने पकड़ा, ये देखिए ये पकड़ा और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते, अरे छोड़ा क्यों, मैं आ गया था सौड़े के मारते। ये देखिए इस युवक को, ये बदमाश युवक जो सुबह से आतंक मचा रहे हैं, ये युवक सुबह से आतंक मचा रहे हैं, पुलिस ने अभी ना पकड़ा है। ये शक्ल देख लीजिए इस युवक की, ये बदमाश युवक सुबह से आतंक मचा रहे हैं पूरे शहर के अंदर और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। आपको सुबह से जो हम खबर दिखा रहे थे ये देख लीजिए इसका चेहरा, और आप जो है फिलहाल कार्रवाई जो है आगे की जाएगी, देख लीजिए पूरे शहर के अंदर। और अभी भी एक युवक को पत्रकार द्वारा पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन वो दौड़ गया और यहीं पर अलग अलग जगहों पर ये ग्रुप बनाकर खड़े हैं। यही जो फूल देख लीजिए, इन फूलों के हार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं फूलों के हार जो है वो डाल डाल कर एक दूसरे के गले के अंदर, ये देख लीजिए कहां पर इन्होंने हार गिराए। और अभी हम फिलहाल खुद प्रयास कर रहे हैं उनको ढूंढने का, क्योंकि सुबह से बात यहां तक खत्म नहीं हुई कि एक कवरेज करने के बाद वो लोग चले गए, वो लगातार बार बार पूरे शहर में दिख रहे हैं, पूरे शहर में लगातार मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी भी उस चौक पर भी पुलिस देख लीजिए कुछ युवकों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। और अभी मैं हम बाहर की फिलहाल युवकों को फिलहाल देख रही है पुलिस, कि जो युवक इस तरीके से आवारा गर्दी कर रहे हैं उनको फिलहाल पुलिस पूछताछ करने के लिए रोक रही है। और अभी फिलहाल यहां पर
कॉलेज के अंदर जिस तरीके से ये पूरी जो वारदात सामने आई कि इतने सारे हथियार मिले इतने लड़कों से, और अभी फिलहाल देख सकते हैं कि ये युवक जो है पकड़ लो भागेगा ये बकवास नहीं। तो आप देख लीजिए बदमाशी नहीं बदमाशी समझा। तो यहाँ पे अभी पुलिस जो है फिलहाल उन युवकों को पकड़ रही है। आप देख रहे हैं सेक्टर 13 की जो इंचार्ज हैं वो भी, जो महिला इंचार्ज हैं आप देख रहे हैं, वो भी फिलहाल लड़के को लेकर पूछताछ करेंगी कि आखिर कितने लड़के इस तरीके से जो लेकर हथियार घूम रहे हैं। पूछताछ की जाएगी किस तरीके से ऐसे तो देख रहे हैं कि फिलहाल जो पुलिस है वो अपनी ओर से जो युवकों को पकड़ कर यहाँ पर उन्हें लेकर आ रही है। और इलेक्शनों की तरह दूसरे के गले में मालाएं डालकर अभी सेक्टर 13 चौकी की तरफ लेकर जा रहे हैं पूरे शहर के अंदर। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप देख लीजिए कि आखिर पूरे शहर में क्या हो रहा है। जो इस तरीके के जो युवक हैं और भी युवकों को पकड़ा हो सकता है अंदर, क्योंकि एक युवक को अभी जो है पुलिस ने धर दबोचा। और अभी फिलहाल आप और युवकों को भी किस तरीके से लाया जा रहा है आप देख रहे हैं। और अभी पुलिस की टीमें भी देख लीजिए किस तरीके से पहुंची है पूरे शहर के अंदर। इन युवकों ने कैसे बदमाशी का माहौल बना दिया और यहाँ पर और भी लड़कों को देख लीजिए कैसे पुलिस लेकर जो है फिलहाल आ रही है। तो यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए पुलिस एक्टिव मोड में शहर में इस तरीके से कैसे बदमाश जो है वो घूम सकते हैं हथियार लेकर। बता दें कि कॉलेज के बाहर गोली चलने की बात भी सामने आई, कॉलेज के बाहर गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर गोली चलने की बात भी सामने आई। और पुलिस फोर्स फिलहाल एक्टिव मोड के अंदर देख लीजिए किस तरीके से युवकों को फिलहाल जो है ले जाते हुए नजर आ रहे हैं आप देख रहे हैं। और अभी अन्य युवक जो है और भी फिलहाल घर पकड़े, एक युवक की और कर ली गई जिसके हाथ में तलवार थी उसे फिलहाल पुलिस ने और पकड़ा है। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि चार और युवकों को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा। आप देख लीजिए चार और युवकों को पुलिस ने धर दबोचा जो सुबह से बदमाशी कर करके पूरे शहर में आतंक फैला रहे हैं कॉलेज के बाहर। चेहरे देख लीजिए इनके, ये वो लड़के हैं जो फिलहाल बदमाशी करके पूरे शहर में आतंक फैला रहे हैं। गोलियां चलने की बात भी सामने आई, गोलियां चलने की बात जो कि कॉलेज के बाहर चली थी और उसके बाद की जो है दिखाकर दूसरे के गले में हार डालकर इलेक्शनों की बात सामने आ रही थी। शायद इलेक्शन जो है वो कॉलेज के होते हैं जिसमें अपना डर जो है वो बिठाने के लिए जो है ये इस तरीके से युवक कर रहे थे। हालांकि पुलिस पूछताछ करेगी अंदर ले जाती हुई पुलिस, और अब फिलहाल उनसे पूरी जो है पूछताछ करेगी कि आखिर क्या उनका मकसद था जो इस तरीके से उन्होंने सुबह से पूरे शहर में आतंक जो है फैला रखा है, हाथों में जो है बड़े बड़े डंडे। और देख लीजिए हम सेक्टर 13 की जो चौकी है वहाँ खड़े हैं हाथों में बड़े बड़े डंडे लेकर जो है पूरे शहर में और हथियारों के साथ गंडासियों के साथ तलवारों के साथ पूरे शहर के अंदर आतंक मचाते हुए ये लड़कों को पुलिस अब अंदर जो है काफी सारे युवकों को पकड़ा गया है जो बार बार पुलिस को चढ़ाकर दौड़ रहे थे। और अब पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है कुछ युवकों को, जिनसे और युवकों के बारे में जानकारी ली जाएगी। आखिर क्योंकि लगभग 150 युवकों की बात सामने आई थी कि लगभग 100 से 150 लड़के जो है बदमाश इस तरीके से कॉलेज कैंपस में कई हथियारों के साथ जो जानकारी हमने आपको दिखाई उसमें पहुंचे थे। हालांकि अब पूरी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद और युवकों को भी धर दबोचा जाएगा। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।